तस्वीरों में दिख रहा ये लैपटॉप का कलेक्शन, आप भी इसे देख ये सोच रहे होंगे कि शायद ये किसी दुकान या गोडाउन का नजारा है, लेकिन आपको ये सारे लैपटॉप चोरी के हैं। पूरे लैपटॉप की कीमत 1,07,00,000 रुपए है। वैसे भी ये सारे लैपटॉप पुलिस के कब्जे में हैं। दरअसल पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि एक टेम्पो में कुछ लोग चोरी का लैपटॉप लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस ने चेकिंग शुरू की और दो चोरों को लैपटॉप से भरे टेम्पो के साथ में गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों का नाम संतोष भोसले और मोहम्मद खुर्शीद आलम है, लेकिन पुलिस इस बात से परेशान है कि पुलिस के पास ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं है जिसमें कि इतनी बड़ी मात्रा में लैपटॉप चोरी हुआ हो। तो पुलिस के सामने सवाल था कि इतने सारे लैपटॉप आखिर कहां से आए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि ये दोनों तो बस खेल के मोहरे हैं, मास्टरमाइंड तो कोई और ही था। दरअसल इस लैपटॉप के गोडाउन में काम करने वाले दो सिक्योरिटी गार्डों ने इस दोनों के साथ मिलकर उस गोडाउन से ये सारे लैपटॉप चोरी करवा दिए और फिर गोडाउन में आग लगाकर सारा मामला धुएं में उड़ा दिया, जिससे किसी को चोरी का शक ही नहीं हुआ। 19 अगस्त शाम को यूनिट 12 गुने अन्वेषण शाखा के पुलिस सिपाही संतोष संघे, इनको खुफिया जानकारी मिली थी कि दो आदमी चोरी का माल बेचने के लिए दहीसर पूर्व में आ रहे हैं। इस जानकारी के मुताबिक यूनिट 12 के पीआई श्री खेतले और उनके स्टाफ ने वहां ट्रैप लगाया और उसके तहत मिली खुफिया जानकारी के अनुसार दो आदमी को हिरासत में लिया गया, जिनके पास एक लैपटॉप और कंप्यूटर ऐसा चोरी का सामान मिला। उन्होंने दी गई जानकारी के मुताबिक बताया गया कि चोरी का सामान रबाले एमआईडीसी में रखा हुआ है। इस जानकारी के तहत रबाले एमआईडीसी से 180 लैपटॉप मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर्स हस्तगत किए गए। टोटल 182 एलईडी मॉनिटर्स, लैपटॉप और कंप्यूटर्स, इसके साथ 1,07,00,000 का टोटल माल हस्तगत किया गया है। वैसे इस चोरी के पीछे कुल 4 लोगों ने अपना शातिराना दिमाग लगाया, लेकिन पुलिस ने इन सब के कारनामों पर पानी फेरते हुए इन्हें इनकी सही जगह पर पहुंचा दिया।